सर्वेभ्यो नमो नमः। देवाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। मंत्रोच्चारण शुद्धि श्रृंखला में आज भोजन के पश्चात उच्चारण जिस मंत्र का किया जाता है उस मंत्र के शुद्ध उच्चारण को आज हम यहां पर सीखते हैं। आइएगा, पूर्व के समान ही मैं मंत्र के चार भाग करके प्रत्येक भाग को तीन तीन बार बोलूंगा और उसके बाद में फिर संपूर्ण मंत्र को एक साथ बोलेंगे। ओम मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः। ओम मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः। ओम मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः। सत्यं ब्रवीमि बध इत्सतस्य। सत्यं ब्रवीमि बध इत्सतस्य। सत्यं ब्रवीमि बध इत्सतस्य। नार्यमणं पुष्यति नो सखायम्। नार्यमणं पुष्यति नो सखायम्। नार्यमणं पुष्यति नो सखायम्। केवलाघो भवति केवलादि। केवलाघो भवति केवलादि। केवलाघो भवति केवलादि। ओम मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः। सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य। नार्यमणं पुष्यति नो सखायं। केवलाघो भवति केवलादि। ओम मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः। सत्यं ब्रवीमि बध इत्सतस्य। नार्यमणं पुष्यति नो सखायं। केवलाघो भवति केवलादि। ओम मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः। सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य। नार्यमणं पुष्यति नो सखायं। केवलाघो भवति केवलादि। ओम मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः। सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य। नार्यमणं पश्यति नो सखायं। केवलाघो भवति केवलादि। आइए मित्रों, इस मंत्र का भावार्थ भी देखिएगा। मूढ़ अज्ञानी तो अन्न को व्यर्थ प्राप्त करता है। सच कहता हूं वह उसका घातक ही होता है, क्योंकि वह न तो राजा का पालन करता है और न ही बंधु का। सच तो यह है कि अकेला खाने वाला पापमय होता है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है इस भोजन के अनंतर उच्चारण करने वाला यह जो मंत्र है उसका उच्चारण आप इस वीडियो के माध्यम से शुद्ध
रूप से सीखेंगे और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, जिससे हमारे ऋषियों की जो परंपरा है, हमारे ऋषियों की जो संस्कृति है, हमारे ऋषियों का जो आदेश है, उस आदेश रूपी इस मंत्र के उच्चारण को सभी लोग अधिक से अधिक शुद्ध रूप में भोजन के पश्चात उच्चारण करें। आइए अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। नए मंत्र के साथ में हम फिर आपसे शीघ्र ही मिलते हैं। आप सभी को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शम।